शुक्रवार को हुई पत्रकार परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने नाना पटोले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन्हें आंदोलन करना है तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करें और उसके लिए वो उन्हें 50 और मुद्दे सुझाएंगे भी। वो कांग्रेस से भाजपा में आए तब कांग्रेस को गाली दे के आए, भाजपा से जब गए तो मोदी जी को आलोचना करके गए, उनको मालूम है बड़े आदमी की आलोचना की तो दूसरी पार्टी का बड़ा नेता पीठ पे हाथ रखता है, अब मोदी जी की आलोचना की तो राहुल गांधी जी ने उनके पीठ पे हाथ रखा, ऐसा वो करते रहते हैं, उनका स्वभाव का एक पार्ट है वो। रह गया उन्होंने कहा कि ईंधन दरवाड़ केंद्र सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करना चाहते हैं, तो पहले आंदोलन तो उनको, ये मेरा सवाल है आपके माध्यम से, आंदोलन करे तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ करे, आंदोलन के 50 विषय मैं उनको देता हूँ। ईंधन दरवाड़ के बारे में आंदोलन करना है तो पहला विषय है कि महाराष्ट्र सरकार को बोले माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 38 रुपया टैक्स प्रति लीटर ये सरकार ले रही है, वो टैक्स कम कर डाले 38 रुपया, तो 38 रुपये से पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा। ये सरकार के खिलाफ आप विदर्भ वैधानिक मंडल बंद करने का आंदोलन करें, ये सरकार के खिलाफ नाना पटोले जी 25,000 रुपये एकड़ आप देने वाले थे किसानों को उसका आंदोलन करें, ये सरकार बिजली का कनेक्शन काट रही उसका आंदोलन करें। मैं 50 मुद्दे देता हूँ नाना पटोले जी को, ये सरकार ने डीपीसी का क्वांटम बंद किया उसका आंदोलन करे, ये सरकार ने इरिगेशन के काम पूरे बंद किए उसका आंदोलन करे, ये सरकार ने नागपुर जिले का विचार किया तो 2200 करोड़ के रास्ते के काम बंद है उसका आंदोलन करे, विदर्भ के सारे मराठवाड़ा के सारे रास्ते खराब हो गए उसका आंदोलन करे, सारे काम बंद है सारे सारे। तो आंदोलन करने के लिए 50 मुद्दे देता हूँ नाना पटोले जी को मैं, वो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करके महाराष्ट्र के गड्ढे बुझाना चाहते हैं, या बड़े बड़े गड्ढे गिर चुके हैं 1.5 साल में, तो इसलिए ये सब झूठी झूठी बातें हैं। मैं उनको विनती करूंगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा मत करिए, जरा ग्राउंड रियलिटी देखिए, नहीं तो जनता उनको सबक सिखाएगी, जनता ने ग्राम पंचायत चुनाव में सबक सिखाया उनको, आगे भी सबक सिखाएगी।